पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट कुछ काम किया है यहाँ पर आपके? हम ऊना के ऊना की बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, उसके बारे में पूछ रहे हो? हाँ कुछ तो हुआ है काम, कुछ तो हुआ है। हाँ हाँ, बीजेपी रिपीट कर पाएगी अपनी कामों के मुद्दों को लेकर? हाँ कर सकती है, बिल्कुल बीजेपी आएगी। कांग्रेस कह रही है कि वेंटिलेटर पे गवर्नमेंट, कैसे वो कैसे कह सकते हैं? कुछ हुए नहीं। आप उनको पूछो ना कि वो वेंटिलेटर पे कितने लोग हैं उनके, है ना उनके उनके केजरीवाल जी कह रहे हैं आएंगे तो सफाया करेंगे, लगता है आपको? केजरीवाल जी मेरे को नहीं लगता जी, मतलब है पर इतना ज़्यादा नहीं है। बीजेपी के चांसेस मैं कहता हूँ 90% हो सकते हैं। आपके क्या कहना है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। कांग्रेस कह रही आएंगे तो महिलाओं को 1500 रुपये देंगे? नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए, आइए नहीं, नहीं चाहिए। हमारी पार्टी भी कम आ सकते हैं, हमारी पार्टी भी यही कह रही है देंगे, पर हमें नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए, जो मोदी दे सकता वो और कोई नहीं दे सकता, मोदी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? बीकॉम सेकंड ईयर। बीकॉम सेकंड ईयर, और आप? बीकॉम सेकंड ईयर। तो नहीं है, अच्छा युवाओं के लिए क्या कुछ लगता है आपको यहाँ पर हिमाचल में है? युवाओं के लिए हिमाचल में स्पोर्ट्स होना चाहिए पहली बात। बेरोजगारी के मुद्दे पर आपको लगता है कि बीकॉम करने के बाद आपको कहीं कोई जॉब यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए? नहीं, उसके लिए क्या करना होगा? टेस्ट तो क्लियर करना पड़ेगा, टेस्ट। हमें जॉब चाहिए, अगर हमें करना है कुछ तो हमें टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। आजकल गवर्नमेंट ने बना दिया है कि टेस्ट जो है वो ज़रूरी हो गया है। गवर्नमेंट जॉब अगर ना मिले तो उसके बाद क्या ऑप्शन है? तो फिर अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के बिना भी मतलब जो युवा हैं तो वो तो फिर उधर ही जाता है, चंडीगढ़ हो गया या फिर उधर आउट ऑफ स्टेट। आउट ऑफ स्टेट, हाँ। कुछ खास नहीं है? नहीं नहीं, क्या दिमाग में रहेगा इस बार? तो इसके बाद अगर हमें, हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे, हम यहाँ का तो बोल ही नहीं सकते कुछ भी कि जॉब वगैरह हमें मिली। बीजेपी रिपीट करवाएगी फिर? ये मैं इस मैटर में मैं दूर हूँ। अच्छा, आप क्या कहते हैं यहाँ पे किसके बारे में सर? बीजेपी ने कुछ 5 सालों में कुछ काम किया है यहाँ पर? सर बहुत किए भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, कुछ अधूरे पड़ गए हैं। तो हमारे को देखो युवाओं को तो बस यही है कि जॉब मिल जाए, मेन तो वही है। बीजेपी तो बहुत काम कर रही है पर युवाओं पर तो नहीं कर रही मुझे को लगता है। रोजगार के लिए क्या कुछ किया यहाँ पर? रोजगार के लिए कुछ खास तो नहीं किया सर, कहते तो बहुत है। आपको लगता है कुछ आपके आसपास में कुछ फैक्ट्रियाँ यहाँ लगी हो? नहीं, फैक्ट्रीज वगैरह सर कुछ खास वगैरह तो नहीं लगी। तो बीकॉम करने के बाद आप कहाँ जाओगे फिर? सर अभी देखा जाए तो प्राइवेट जॉब करेंगे, साथ में गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी करेंगे। गवर्नमेंट जॉब तो वैसे ही बहुत कम हो गया आपको? वही है सर, आप भी बोल रहे हो कि जॉब है पर है नहीं है कहाँ। अगर किसी ने, अगर अपने शहर में रह कर किसी ने जॉब करनी हो तो फिर आप बताओ। अच्छा व्यापार किसी ने करना हो, युवा हैं आप, आपने आप जॉब नहीं करना हो, व्यापार करना हो तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट कुछ कर रही है यहाँ पर? सर व्यापार तो देखो इम्पॉसिबल ही है क्योंकि अभी जो फाइनेंशियली टाइटनेस है, कुछ फैमिली से हमारी फैमिली में हम तो व्यापार के बारे में सोच भी नहीं सकते, सबसे पहले हम जॉब के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। तो फिर व्यापार का तो भी दिमाग में क्या रहेगा वोट डालने के समय? दिमाग में क्या रहेगा सर, अभी तो मन ही नहीं करता वोट डालने को, सच कहें, सीधी सी बात है, मन ही नहीं कर रहा। मन ही नहीं कर रहा। एक पार्टी? एक पार्टी सर कोई नहीं, हमारे लिए तो सभी ठीक है, जो हमारा हमारे लिए सोचेगी उसके लिए। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो युवाओं के लिए अच्छा कुछ करेंगे हम, लगता है आपको? सर इन रिस्पेक्ट अगर वो करते हैं तो हम भी साथ देंगे उनका। मिशन रिपीट है इस बार? शायद मिशन रिपीट भी है, अब कह रहे काम भी नहीं हुए अच्छे। सर हमारे इधर तो कोई खास नहीं किया है अभी फिलहाल, तो अभी युवाओं के बारे में कुछ करेंगे ना, क्या कहते हैं ना हो जाने के बाद तो सब करते हैं, हो जाने से पहले तो कोई करे। मिशन रिपीट भी होगा और कुछ किया भी नहीं है अभी? नहीं सर वो कंफर्म नहीं बता रहे हैं। धन्यवाद आपका। हाँ जी, आप कुछ करने जाओगे? धन्यवाद आपका। हाँ जी, हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको इस बार? किसके बारे में? मोदी जी कह रहे हैं यहाँ पर आकर गए हैं, कह रहे हैं बल्ले बल्ले करवा रखी है हमने, अभी तो सर टाइम पे पता लगेगा, अभी टाइम से पता लगेगा। हाँ जी, केजरीवाल साहब कह रहे हैं हम भी आएंगे तो उखाड़ फेंकेंगे सब कुछ, मैं भी तो मोदी के बल्ले बल्ले ही हो गई जी, मोदी की बल्ले बल्ले। हाँ जी, केजरीवाल कह रहे हैं वेंटिलेटर पर है सरकार तो? नहीं जी, नहीं है, नहीं है सर, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आएंगे। कुछ काम हुए हैं या अभी वैसे ही? काम हुए तभी है। क्या काम हुए बताइए? बहुत विकास हुआ सर। हाँ जी, अभी मैं सर हॉस्पिटल सामने मिसी
उनके किडनी खराब हो गई थी दोनों ही, तो मोदी ने आयुष्मान कार्ड चलाया था तो उसके साथ बोल मोट मोदी को जाएगी। कितना खर्चा हुआ आपका टोटल? अभी तो मैं 4 लाख लगा चुका हूँ। 4 लाख आप लगा चुके हो? बाकी आयुष्मान के अभी डायरेक्ट स्वतः फ्री हो रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कितना लगा? नहीं अभी गवर्नमेंट तो अभी डायरेक्ट जो हो रही है फ्री हो रही है। अच्छा, हाँ जी। वो कार्ड आप जब यूज करोगे तो आपका? हाँ जी, हाँ जी। जैसे काफ़ी मरीज है हॉस्पिटल में तो उनका इलाज वही चल रहा है, मोदी के सहारे चल रहा है। मोदी के सहारे चल रहा है? नहीं होता सर, हमारा हम तो इलाज करवा ही नहीं सकते थे। मोदी ने होते तो आप इलाज नहीं करवा सकते सर? बीमारी ऐसी है, किडनी फेल हो जाएगी तो बंदा नहीं इलाज करवा सकता। मोदी है तो मुमकिन है? हाँ जी बिल्कुल जी। रिपीट है? बिल्कुल जी, मोदी आएगा। धन्यवाद आपका। भाई साहब क्या हाल चल रहा है? बढ़िया सर, आप सुनाइए जी। कारोबार कैसा है? कारोबार ठीक है सर। बढ़िया और बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी जी भी आगर गए हैं यहाँ पर? हाँ जी सर बिल्कुल, आए थे 13 तारीख को, करवा चौथ वाले दिन आए थे। वंदे भारत गए हैं? बिल्कुल सर, देखे गए हैं। वापसी कर पाएंगे? हाँ जी वापसी कर पाएंगे। फिर देखो डिपेंड अपॉन पब्लिक पे है जी, इस पे नेता तो नहीं कोई कह सकता, ये तो पब्लिक पे है। अगर उनको काम अच्छा लगा तो वापसी करेंगे, जो नहीं अच्छा लगा तो नहीं करेंगे। विकास कुछ हुए हैं आपके इलाके में? हुए हैं बिल्कुल, क्यों नहीं हुए हैं जी। क्या कह रहे हो, कुछ हुआ? हाँ जी बिल्कुल, विकास हुआ। हाँ केजरीवाल जी कह रहे हैं विकास हुआ नहीं, आ रहे हैं झाड़ू लेकर, हम साफ करेंगे सब कुछ। विपक्ष वाले तो बोलेंगे ही, वो तो बोलना ही है। मेन बात ये होती है कि दूसरी पार्टी का होता है कि विकास नहीं हुआ है। जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, डेवलपमेंट हर जगह होती है। मतलब ये तो एक मुद्दा होता है बनाने का कि विकास नहीं हो रहा, हम करेंगे ये करेगा। हर गवर्नमेंट विकास करती है, तो गवर्नमेंट आजकल पब्लिक इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि नहीं समझेगी। कर्जा बहुत हो चुका है गवर्नमेंट के ऊपर। अब मैं ये नहीं कहता, दोनों कोई भी पार्टी मेंबर है खर्चा तो होता है सरकार का, तो अब या तो इनकी सर्कुलेशन अपना सिस्टम सेटअप करे जिससे कर्जा कम हो। ऑब्वियसली पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका कर्जे को कम करेगा, अगर कोई अनपढ़ होगा तो वही होगा कि कर्जा बढ़ता जाएगा, खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो फिर बढ़ गया ना, कम तो हुआ नहीं इस बार सर। वो तो बात है, पर ये होती है कि अपनी स्टेट पे आप देखो इसका क्या, कहाँ से हमारी कमी है। बाकी इनको ज़्यादा नॉलेज है, हमें इतना नहीं है। हमें तो अपनी शॉप का नॉलेज है कि हिसाब से हमारा कर्जा कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो अब यही तो नेता को चाहिए कि अपने स्टेट का कर्जा कम करे, कल को हमने को काम करना है, डेवलपमेंट करनी है, उसमें अपनी फाइनेंशियल फंड्स होंगे तो उतना ज़्यादा बेटर इनके लिए होगा। तो फिर रिवाज बदलेगा फिर या फिर रिवाज कायम रहेगा? सर ये तो अब पब्लिक जनता जानती है, बदलेगा कि कायम रहेगा।